नमस्कार, सीके टीवी में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं गुजरात के अहमदाबाद में हूँ और बुलेट ट्रेन, जहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है उस जगह पर हूँ। देखिए, यहीं से बुलेट ट्रेन जो है यहाँ से गुजरते हुए मुंबई की तरफ जाएगी, यानी कि देश में पहला बुलेट ट्रेन यहीं अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाला है, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई या मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी। आप देख रहे होंगे पीछे जो है कार्य चालू है, ये जो है काम जो बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसको जो है 2022 के अंतिम तक चालित कर देना है। यहाँ से बुलेट ट्रेन बहुत तेज़ी से गुजरेगी। बुलेट ट्रेन के स्पीड 200 से 320 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है बुलेट ट्रेन, जो बहुत ही हाई स्पीड होता है। बुलेट ट्रेन हमारे देश में मुंबई से अहमदाबाद तक या अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी। बुलेट ट्रेन चलाने का मुख्य कारण यही है कि अहमदाबाद जो है औद्योगिक शहर है और मुंबई भी औद्योगिक शहर है, तो यहाँ से व्यापारी मुंबई ज़्यादातर व्यापार करने के लिए जाते हैं और उनको जाने में काफ़ी समय लगता था। कोई हाई स्पीड गाड़ी नहीं था, प्लेन की सफ़र करना पड़ता था और इसमें किराए भी ज़्यादा लगते थे, लेकिन अब बुलेट ट्रेन दौड़ेगी तो बुलेट ट्रेन में किराया कम रहेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का किराया जो होगा 2500 से 3000 के बीच में रहेगा या उससे भी कम रहेगा, और बुलेट ट्रेन को चलने के वजह से उद्योगपति जो होंगे मुंबई से अहमदाबाद और अहमदाबाद से मुंबई कम समय में दूरी को तय करेंगे। यह जो बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है इसकी जो लागत है लगभग 980 अरब की लागत से बुलेट की परियोजना यह हमारे देश में लागू हुआ है और देश के पहला बुलेट परियोजना यह है जिसको मैं दिखला रहा हूं आपको। अभी काम चालू है, काम प्रगति पर है और जहां पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं इसी रास्ते से बुलेट ट्रेन गुजरेगी और बुलेट ट्रेन चलेगी। अभी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, काम बहुत प्रगति पर है। आप देख रहे हो कि काम जो है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। इस परियोजना का जो कारभार है, इस परियोजना का जो जिम्मा है लार्सन एंड टिब्रो, यानी कि LNT कंपनी इस प्रोजेक्ट को पूरा करके देश को सौंपेगी और देश के बीच बुलेट ट्रेन चल पाएगा। तो बुलेट ट्रेन के बारे में जो है मैं आप लोग को दिखला रहा हूं कि बुलेट ट्रेन जो है इधर से ही गुजरने वाला है और यह जो पटरी है आप देख रहे होंगे, एक साइड इधर आ जाइए, ये जो पटरी है, ये जो आम ट्रेनें जो चलती है जो कम स्पीड से चलने वाली है, जो अभी के समय में हमारे देश में ट्रेनें गुजर रही है चलती है उसका ये पटरी है जो वन लाइन की है, और इस पटरी से ज़्यादातर जो गाड़ियां गुजरती है वह मालगाड़ी या कभी कभी पैसेंजर ट्रेन भी गुजरती है। तो यह जो है और पीछे में जो दिख रहा है आपको, यह रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड है जो अहमदाबाद का यार्ड है और यह जो जगह है यहाँ से मैं बुलेट ट्रेन गुजरने वाली है और इधर से ही बुलेट ट्रेन मुंबई तक चलने वाली है। मुंबई तक चलाने का मुख्य कारण यही था कि अहमदाबाद औद्योगिक शहर है और मुंबई भी औद्योगिक शहर है, अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ से उद्योगपति रोज़ यहाँ से अपने व्यापार के काम के वजह से व्यापारिक काम के लिए मुंबई जाते हैं और मुंबई से आप वापस अहमदाबाद आते हैं, इसका भी एक कारण रहा होगा यहाँ से मुंबई चलाने का। और भी कई कारण है जो यहाँ से चल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन का यह परियोजना है जो चल रहा है और बुलेट ट्रेन सबसे पहले यहीं अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाया जाएगा। आपको यह वीडियो देख करके कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अंदर में जाने की अनुमति नहीं था इसलिए अंदर के मैं नहीं दिखला पाया हूँ। हालाँकि काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और 2023 तक इसको फाइनल कर देना है और लोग उस पर सफ़र कर पाएंगे, लोग बुलेट ट्रेन पर सफ़र कर पाएंगे और बुलेट ट्रेन का लाभ उठा पाएंगे। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज़, चित्रंजन कुशवाहा के साथ अहमदाबाद से। नमस्कार, जय हिंद।